हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक चैप्टर। तो इसका जो एक लेक्चर था, मैंने ऑलरेडी तुम लोगों का वैकेशन जब स्टार्ट हुआ था उसके पहले ही हमने एक चैप्टर कर लिया था। तो दिस विल बी योर लेक्चर टू ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको देखने के पहले मैं बोलूंगा कि तुम लोग पहले जिसने नहीं देखा है वो लेक्चर वन देखे, उसके बाद इसको स्टार्ट करें, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर टू। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, 5 मिनट का रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा था चैप्टर वन में, उसके बाद हम नया चीज सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हमने देखा था इस चैप्टर में, वो हमने देखा था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, वेयर माय a b एंड c आर कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये चीज देखी थी और क्या बोला था, a जीरो नहीं होना चाहिए, a शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। क्या बोला, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस टाइप के एक्सप्रेशन को, वेयर माय a b c आर कॉन्स्टेंट्स एंड a इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्या था ये मेरा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। a जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, अगर a जीरो हो गया तो ये ऐसा हो जाएगा और दिस इज लीनियर, ठीक है ना, इसलिए a शुड नॉट बी जीरो। b और c जीरो हो सकता है, ठीक है ना, b और c पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, a शुड नॉट बी जीरो, क्लियर है। अच्छा, फिर मैंने क्या बताया था कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अगर हमने जीरो के बराबर इक्वेट किया तब मैं इसको क्या बोलूंगा, दिस विल बी कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो जब जीरो को इक्वेट नहीं किया था तब तो मैं केवल एक्सप्रेशन बोलूंगा, और फिर मैंने वो एक्सप्रेशन को अगर जीरो को इक्वेट किया देन आई विल कॉल इट एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलो फिर मैंने क्या किया था, जो एक्सप्रेशन है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हमने एक और फॉर्म में लिखा था, वो फॉर्म क्या है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स से दिस इज इक्वेशन वन, ठीक है, वेयर माई अल्फा इज, अल्फा कॉमा बीटा क्या है मेरा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाय टू ए, एंड वेयर माई डी इज डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, क्लियर है। क्या मैंने बोला था कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैंने ऐसे इस टाइप से लिख सकता हूँ, इधर क्या लिखा है मैंने, इसको बस मॉडिफाई करके ऐसे लिख दिया, ठीक है ना, टर्म्स को इधर उधर करके इसको इस फॉर्म में लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ थ्री फैक्टर्स। ऐसा लिखते वक्त मैंने अभी तक यूज फैक्ट नहीं किया था कि एबीसी आर कॉन्स्टेंट, मैंने बोला ये जो लिखा है वो ऐसे लिख सकते हैं, एबीसी कुछ भी हो। फिर मैंने क्या बोला था कि अगर एबीसी कॉन्स्टेंट है तो ये जो मेरा है ये क्या है, मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा अगर एबीसी है, और ये इसके इक्विवेलेंट है। अच्छा, अब मैंने लिखा कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा है आरएचएस में, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, मैंने कहा ये देख लेते हैं जीरो कब हो रहा है। तो देखो ये तीन फैक्टर्स हैं इसमें, ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, तो या तो ये जीरो या ये जीरो या ये जीरो, इन तीनों में से कोई भी एक जीरो हो जाएगा तो मेरा ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। अच्छा, और हमने बेसिक मैथमेटिक्स में देखा था कि रूट हम कैसे डिफाइन करते हैं, रूट क्या होता है, बेसिकली एक्स की वो वैल्यूज जिसके लिए मेरा एक्सप्रेशन जीरो हो रहा हो। दोबारा एक बार मैंने क्या बोला, रूट क्या होता है हमारा, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए मेरा एक्सप्रेशन जीरो हो रहा हो। जैसे मैंने लिखा एक्स माइनस वन, ये जो है ये कोई एक्सप्रेशन है एक्स का, इसको मैंने फंक्शन ऑफ एक्स बोल दिया, मैं इसका रूट क्या होगा, वन, क्यों, बिकॉज वन पे ये चीज जीरो हो रही है। अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ये कोई मेरा एक्सप्रेशन है एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, मैं बोलूँ इसके रूट्स क्या है तो वन और टू, क्यों, क्योंकि वन और टू रखने पे इस पे जीरो हो रहा हो। तो रूट्स को हम डिफाइन क्या करते हैं कि एक्स की वो वैल्यूज जिसके लिए मेरा एक्सप्रेशन जीरो हो रहा हो। अब देखना, ए तो मेरा जीरो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने शुरू में कंस्टेंट लिखा था, इसको क्वाड्रेटिक बोलते वक्त बोला था कि ए शुड नॉट बी जीरो, तो ये तो मेरा जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। तो ओवरऑल ये टर्म जीरो कैसे हो सकती, या तो ये टर्म जीरो हो जाए या ये टर्म जीरो हो जाए। तो ये टर्म एक्स की किस वैल्यू के लिए होगी, अल्फा के लिए, तो एक्स इज इक्वल टू अल्फा, और ये टर्म किस कब जीरो होगा, जब एक्स बीटा हो। तो बस ये दोनों क्या बोलूंगा मैं इनको, इन दोनों एक्स की वैल्यू पे मेरा ये एक्सप्रेशन जीरो हो रहा है, हेंस दीज आर रूट्स। ये किसका प्रूफ किया मैंने, इस एक्सप्रेशन का जो आरएचएस में लिखा है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, जो आरएचएस में लिखा है और जो एलएचएस में लिखा है दे बोथ आर इक्विवेलेंट, ये तो एक आइडेंटिटी है, तो इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो इसके भी रूट्स अल्फा और बीटा होंगे। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उसके दो ही रूट्स होते हैं, ठीक है ना। अब वो रियल है इमेजिनरी है वो बात की बात है, बराबर है या अनइक्वल है वो बात की बात है। इतना प्रूफ हो गया कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके दो रूट्स होते हैं, क्लियर है बच्चों, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा था, कुछ आइडेंटिटी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन और लिया था, क्या देखा था, देखना मैं इसको रब कर देता हूँ, ये हमारी पेरेंट इक्वेशन है, इसी से अभी हम बहुत कुछ देखने वाले हैं, कुछ और भी फॉर्मुलेस ड्राइव करेंगे। तो इस इक्वेशन को तुम याद रखो, क्या ये बेसिकली इक्वेशन नहीं बोलूंगा, इसको आइडेंटिटी बोलूंगा मैं, एक्चुअली बीच में मैं तीन इक्वल टू लगाऊंगा, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद हमने आइडेंटिटी के बारे में क्या देखा था कि आइडेंटिटी को लिखने का तीन तरीका है। जैसे कि मैंने लिखा, देखना ध्यान से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ। अगर मैंने बोला, देखो मैं बोलूंगा कि दिस, अगर तीन बीच में इक्वल टू लिखें तो क्या होगा, ये आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी होती है तो क्या करते हैं, हम कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है, इधर इधर डी है, तो ए शुड बी इक्वल टू डी। सिमिलरली एक्स का कोफिशिएंट हियर इट इज बी, तो बी शुड बी इक्वल टू उधर एक्स का कोफिशिएंट व्हिच इज ई। फिर इधर कांस्टेंट पार्ट सी, देयर इट इज इक्वल टू एफ। कब, ये आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी को लिखने का तरीका क्या है, बीच में तीन डंडियां, ठीक है। अच्छा, ये तो एक तरीका हो गया आइडेंटिटी बोलने का। एक और तरीका क्या है, जैसे इसी को लिखा मैंने ax square plus bx plus c is equal to dx square plus ex plus f for all x. This is a symbol for all. अब उसने क्या बोला कि उसने ऐसा ना लिख के कि तीन इक्वल टू के साइन के ऊपर तीन स्ट्रेट लाइन नहीं लिख के, क्या लिखा, ये इसके बराबर है फॉर ऑल एक्स। देखो अगर ये नहीं लिखता फॉर ऑल एक्स तो ये क्वाड्रेटिक होता, इक्वेशन होता जिसके दो ही रूट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिखा, 3x square plus 2x plus 1 is equal to x square plus x plus 2। अगर ऐसा लिखा तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आइडेंटिटी नहीं है, दिख भी रहा है। अब 3 1 के बराबर थोड़ी हो जाएगा, तो बेसिकली x square को इधर लेके आऊंगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2x square plus इधर से 2x minus x x minus 1 equals to 0। इसके दो रूट्स होंगे, लेट्स से अल्फा एंड बीटा। तो मैंने क्या बोला कि अगर केवल ये नहीं लिखा फॉर ऑल x, तब तो मैं क्या बोलूंगा, ये सारे टर्म्स को एक साइड लेके आऊंगा, एक क्वाड्रेटिक बनेगी। बट अगर मान लो मैंने, मुझे बोलना है कि आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी तो हर एक एक्स के लिए ट्रू होना चाहिए। बेसिकली क्या होता है आइडेंटिटी, मतलब क्या होता है, एक ही चीज को हम दूसरे तरीके से लिखना है। जैसे मैंने लिखा 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, तो 4 को ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, वन एंड द सेम थिंग। तो इसी प्रकार मैंने बोला कि आइडेंटिटी क्या होता है, इट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, तो इसलिए मेरे को ऐसे यूज करना पड़ेगा फॉर ऑल एक्स। क्लियर हुआ बच्चों, ये होता है दूसरा तरीका। तीसरा तरीका मैंने क्या बोला था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, ये हो गया मेरा, दिस इज इक्वल फॉर ऑल एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ, और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, ये हो गया। हाँ, क्या बोला मैंने, दिस इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ इज एन आइडेंटिटी, ठीक है। अब उसने डायरेक्टली खुद से स्पेसिफाई कर ही दिया कि भाई दिस इज इक्वल टू दिस इज एन आइडेंटिटी, इसमें लैंग्वेज ही यूज कर ली, तो बहुत सिंप्लीफाइड हो गया। इसमें तो हमें फिर भी समझना पड़ रहा था कि फॉर ऑल एक्स मतलब ये आइडेंटिटी, इसमें तो डायरेक्टली लिख दिया दिस इज एन आइडेंटिटी। तो देयर आर थ्री वेज ऑफ स्पेसिफाइंग कि जो इक्वेशन जो लिखा है वो बेसिकली इक्वेशन है या आइडेंटिटी है। क्लियर है, तो यहां तक हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, अब हम इसके बाद नया सीखते हैं, ठीक है। तो अगर जिसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर सकता है वीडियो पॉज करके, मैं इसके आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। देखना, तो मैं इसको पार्ट को रब कर देता हूँ। अभी हमारी इक्वेशन क्या यूज होगी, वो आइडेंटिटी वाली। अब देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम ड्राइव करने वाले हैं, अभी ध्यान देना बच्चों। देखो ये मेरा, एक बार और मैं लिख लेता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्लियर है, मैंने क्या बोला, दिस इज एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है तो इट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स। और करते क्या है हम, अगर आइडेंटिटी होता है तो कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर सकते हैं, x स्क्वायर का, x का और कांस्टेंट पार्ट। तो देखना, पहले मैंने इसको ओपन कर लेता हूं, तो मैं ये इधर से क्या आया, a इंटू, अब देखना, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। फिर इसको मैंने फर्दर ओपन किया, इसको मैं फर्दर ओपन कर लेता हूं, यार ए एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ए अल्फा बीटा। और इधर मेरा लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर है, अब सुनना क्या बोला मैंने, ये एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है तो क्या करूं मैं, आई कैन इक्वेट द कोफिशिएंट्स। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो ए इज इक्वल टू ए आया, इससे तो कोई हमें आउटपुट नहीं मिला, ठीक है, ए ए के बराबर होगा। अब हम एक्स का कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं, तो इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी, तो बी इज इक्वल टू, इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या है एलएचएस में, इट इज माइनस ए टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्फा बीटा को लैंग्वेज फॉर्म में क्या बोलूंगा, अल्फा प्लस बीटा इज सम ऑफ रूट्स, क्योंकि अल्फा बीटा क्या है, रूट्स है ना इसके, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स। क्लियर हुआ बच्चों, अब एक ही एक और चीज, अब हम कॉन्स्टेंट पार्ट इक्वेट करते हैं, तो इधर आएगा सी, उधर क्या आएगा हमारा, ए टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। तो यहां से मेरा क्या आया, दिस इंप्लाइज
ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज सी बाय, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगेन लैंग्वेज फॉर्म में क्या बोलूंगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का। क्लियर है? जैसे मान लो मैंने इक्वेशन लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, और मैंने बोला इसके रूट्स अगर अल्फा और बीटा है, तो मैं क्या बोलूंगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, देखना ध्यान से, क्या लिख रहा हूं मैं, माइनस बी, माइनस बी मतलब माइनस ऑफ माइनस वन तो हो जाएगा प्लस वन अपॉन ए, ए हियर इज वन, तो सम ऑफ द रूट कितना आया, वन आया। मैं लिख सकता हूं अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, सी बाय ए, तो सी हियर इज टू, ए हियर इज वन, तो ये हो गया हमारा टू। समझ में आया इसका एप्लीकेशन क्या हुआ? इससे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट विदाउट फाइंडिंग द रूट्स। अब देखो मैंने इस क्वाड्रेटिक में रूट्स तो निकाले नहीं, मैंने डायरेक्टली बता दिया सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये होगा। जब तक रूट्स, अगर मुझे केवल इसकी आवश्यकता है अल्फा अल्फा सम और प्रोडक्ट की, तो मैं अल्फा और बीटा सेपरेटली नहीं निकालूंगा। आई कैन डायरेक्टली से अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय, अल्फा बीटा इज सी बाय। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, इस पार्ट को कॉपी करो, इसके मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, चलो अब देखना एक इंपॉर्टेंट चीज, इसी को मैं रेफर कर रहा हूं। देखो जैसे आप मुझे पता है कि ये जो क्वाड्रेटिक लिखी है ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है। ठीक है, अच्छा अब सुनना एक चीज, अगर मैं कोई क्वाड्रेटिक है उसको किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं, तो उसके रूट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस टू थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसके रूट्स क्या है तुम निकालोगे, तो ये रूट्स आएंगे वन और टू। ठीक है, वन और टू रूट्स आएंगे, दिख भी रहा है सम ऑफ द रूट इज माइनस बी बाय, तो माइनस ऑफ माइनस थ्री, तो थ्री अपॉन वन, तो दिख रहा है वन प्लस टू थ्री। प्रोडक्ट इज टू बाय वन, तो दिख रहा है वन इंटू टू इज टू, तो इसके रूट्स वन और टू आएंगे। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको मैं मान लो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, लेट्स से मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अब दिस इज अगेन ए क्वाड्रेटिक, बट क्या है ये कॉन्स्टेंट, 100 को तो मैं जीरो के पास लेके जा सकता हूँ ना कभी भी, तो मैं क्या बोलूंगा इस 100 को जीरो के पास ले गया, तो इसके रूट्स अभी भी क्या है हमारे, वन और टू ही है। चाहे मैं 100 से इधर मल्टीप्लाई करूं, चाहे 1000 से, चाहे बस कॉन्स्टेंट होना चाहिए, एक्स का फंक्शन नहीं होना चाहिए, एक्स का एक्स नहीं आना चाहिए इसमें, इट शुड बी अ कॉन्स्टेंट। तो मैं क्या बोलूंगा, रूट्स विल रिमेन सेम। अब उसी चीज को मैं इधर देख रहा हूँ, देखना क्या है, देखो मैं इसको रब कर देता हूँ। देखना मैंने क्या बोला कि जो मेरी ये इक्वेशन लिखी है ए, ये वाली जो मैंने इधर लिख दी, इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो मैं इस ए को जीरो के पास भी लेके जा सकता हूँ, इस ए को जीरो के पास लेके गया तो उधर जीरो हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया मुझे। क्या मिल गया, देखो अभी तक तो हम क्या करके आ रहे थे कि इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स लिखते थे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिखते थे, अब क्या करेंगे हम, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया होगा, अब हम इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखूंगा, देखो अब मैं क्या लिख सकता हूं, जनरलाइज लिख रहा हूं, देखो मैं लिख रहा हूं एन इक्वेशन या अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखना ध्यान से नोट करके लिख लो इसको, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ सम ऑफ रूट्स, विथ सम ऑफ रूट्स एज कैपिटल एस and product of roots as p is given by देखना, अगर मेरे रूट्स अल्फा और बीटा है तो इधर सम ही आ रहा है बेसिकली, माइनस एस इंटू सम, इधर क्या रहा है प्लस प्रोडक्ट, तो मैं क्या लिखू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, तो एस इंटू एक्स, सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो पी इक्वल्स टू जीरो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिल गई हमें, क्या हो गया अब हमें, वेयर एस इज सम ऑफ द रूट एंड पी इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट, मतलब हमें अगर प्रोडक्ट ऑफ सम दिया है रूट्स का तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, इससे पहले जो हमने देखा आर्टिकल उसमें क्या लिखा हमने कि हमें इक्वेशन दी होती थी, हम उसमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिखते थे, बट अब हमें क्या है कि सम और पी प्रोडक्ट दिया है, अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस पी इक्वल्स टू जीरो। तो इसको लैंग्वेज फॉर्म में भी लिख लो, क्या कैसे लिखेंगे, इस पार्ट को मैं रब कर देता हूं, तुम लोग इसको कॉपी कर लेना। मैंने क्या बोला, देखो
ऐसे लिख रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस, तुम भी प्रॉपर ऐसे लिखो, सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू जीरो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी को चीज को लिखा एस इज सम ऑफ रूट प्रोडक्ट, इधर माइनस याद रखना, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखा मैंने, मैंने लिखा फाइंड इक्वेशन या फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हूज सम ऑफ रूट्स इज थ्री एंड प्रोडक्ट इज फाइव। तो अब मैं क्या कैसे करूंगा, बस ये सम थ्री है और प्रोडक्ट फाइव है तो इधर रख दूंगा, बस एस की जगह क्या रखूंगा थ्री, पी की जगह फाइव। तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी डायरेक्टली एक ही लाइन में, एक्स स्क्वायर माइनस सम इज थ्री एक्स प्लस प्रोडक्ट विच इज फाइव हियर इज इक्वल टू जीरो। तो इसके जो रूट्स आएंगे ना, लेट्स से इसके रूट्स मैंने अल्फा और बीटा बोला, तो मेरा अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट इज थ्री और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा इज फाइव। समझ में आया, तो दोनों चीज आनी चाहिए तुम्हें, इक्वेशन से सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखना प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट से इक्वेशन लिखना, वाइस वर्सा आना चाहिए, ठीक है ना, दोनों चीज होना चाहिए, ठीक है। चलो तो वीडियो को पॉज करो, तुम लोग इसको कॉपी करो, अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, क्वेश्चन लिखने के पहले एक छोटा सा और आर्टिकल है, जैसे अभी सम ऑफ प्रोडक्ट देखा, अब डिफरेंस और देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम फॉर्मली एक बार पूरे एग्जांपल्स एक साथ ले लूंगा, मैं उसमें डिफरेंस के भी कवर कर दूंगा। तो अभी मैं एक आर्टिकल और ले लेता हूं, उसको लिख लो तुम लोग, डिफरेंस ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो नाम से पता चल रहा है, अगर मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैं वही इक्वेशन ले लेता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो और इसके रूट्स मान ली अल्फा और बीटा। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना क्या है, अभी तक क्या था, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाले थे, अब हम डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस मतलब अल्फा माइनस बीटा, और बड़े में से छोटा घटाना है इसलिए हम इसमें मॉड लगा देते हैं, ठीक है ना, मान ली अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो हमें निकालना है मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, क्लियर है, दिस इज डिफरेंस ऑफ रूट्स। अब कैसे करेंगे हम, तो इसके करने के दो तरीके हैं, देखना क्या क्या, पहले मैं मेथड वन एक्सप्रेस कर रहा हूँ, अगर तुम्हें पता है तो यू कैन ड्राइव ऑन योर ओन, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगा के तुम लोग खुद से ड्राइव करो, जिसको आता है वीडियो पॉज करके मैं इसको डिस्कशन लेता हूँ अभी, ठीक है। सुनना, अब क्या किया हमने, मुझे पता है ये जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स तो मैंने पहले निकाले थे फर्स्ट लेक्चर में, अल्फा क्या आया था, अल्फा इज माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाय टू ए, बीटा भी पता है मुझे क्या आया था, बस इधर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, बीटा इज माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाय टू ए, क्लियर है। अब क्या करूं मैं, डिफरेंस निकालना है तो इसमें से इसको घटा देते हैं, तो अल्फा माइनस बीटा का मैग्नीट्यूड कितना होगा हमारा, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाय टू ए माइनस ऑफ माइनस बी माइनस रूट डी बाय टू ए। तो देखो हमारा आ जाएगा, अगले लाइन में आ जाएगा हमारा आंसर, माइनस बी प्लस बी ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, रूट डी प्लस रूट डी, टू रूट डी, तो दिस विल बी टू रूट डी और डिनोमिनेटर में है टू ए, ये टू से टू कैंसिल, तो फाइनली हमें आंसर कितना मिला, रूट डी अपॉन ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लो, जैसे जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट है उतना ही हमारा ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस ऑफ रूट इज रूट डी बाय ए। और कुछ हमने ज्यादा मतलब बहुत रॉकेट साइंस नहीं किया है, बहुत सिंपल सी चीज की है, हमें रूट्स पता था, हमने फर्स्ट लेक्चर में ड्राइव किए थे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स क्या होते हैं इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, ठीक है ना, डी लिखा मैंने, डी ये मेरा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट विच इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा माइनस बी और माइनस बी वाला फैक्टर कैंसिल हो गया और रूट डी एड हो गया, तो टू रूट डी अपॉन टू ए, टू से टू कैंसिल, रूट डी बाय ए, क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब मैं इसको दूसरे मेथड से डिस्कस करता हूँ, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस ऑफ रूट इज रूट डी बाय, इसको ऐसे लैंग्वेज फॉर्म में भी लिख लो, डिफरेंस ऑफ रूट्स इज इक्वल टू रूट डी बाय ए, और डी क्या मेरा उधर लिख लो, भले प्रॉपर वाले इसको एक काम करो ऐसे लिख लो, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, अपॉन ए सॉरी टू याद मत मार, ए है, ठीक है ना, इस फॉर्म में लिखो, मतलब मुझे क्या चाहिए था, क्वाड्रेटिक अगर दिया है तो उसका डिफरेंस ऑफ रूट चाहिए था ए बी सी के टर्म्स में,
ठीक है। चलो अब जैसे कि मैंने बोला कि मैं इसको एक और मेथड से बता रहा हूं, ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूं। अच्छा अब देखना ध्यान से बच्चों, जैसे मुझे मान लो 4 लिखना है, तो 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 16, करेक्ट है। अच्छा मुझे 3 लिखना है तो आई कैन राइट अंडर रूट ऑफ 9, ठीक है। अच्छा फिर मैंने लेट्स से मुझे एक्स स्क्वायर को लिखना है तो आई कैन एक्स लिखना है तो आई कैन से मॉड एक्स को लिखना है तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी तो मैं बेसिक मैथमेटिक्स बताया था, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, क्लियर है। तो इसी प्रकार अगर मान लो मुझे अल्फा माइनस बीटा का मॉड लिखना है, देखना इससे रिलेट कर रहा हूं मैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्या लिखा मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज अंडर रूट ऑफ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। अब देखना क्या कर रहा हूं मैं, अब इसको एक्सपेंड किया, क्या लिखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, क्लियर है। अच्छा अब फर्दर मैं इसको देखना क्या लिख रहा हूं, आई वॉन्ट कि देखो अब मैं कर क्या रहा हूं, देखना मुझे क्या चाहिए ना कि जो अल्फा माइनस बीटा चाहिए आई वॉन्ट टू राइट इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, मतलब मुझे इस एक्सप्रेशन को क्या लिखना है तो लिख भी लो, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इन टू अल्फा प्लस इन टर्म्स ऑफ, ऐसे लिख लो इन टर्म्स ऑफ हमारा लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है वो लिख रहा हूं मैं, कि हमारा अभी मकसद क्या है, इसको क्या करना है हमें, इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ रूट दैट इज अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। उसको ऐसा लिखने के लिए मैं ये सब करने वाला हूं, क्योंकि मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये तो मुझे पता है एबीसी के टर्म्स में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय ए, तो मैं वो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो मेरा एम क्या है इसको इन दोनों के टर्म्स में लिखना। तो अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं फर्दर, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब मुझे अल्फा प्लस बीटा बनाना है तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बना लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर के लिए मुझे प्लस 2 अल्फा बीटा चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं खुद से एक बार लिख रहा हूं प्लस 2 अल्फा बीटा। अब देखना एक्चुअली मेरे को माइनस 2 अल्फा बीटा चाहिए था, मैंने इधर प्लस 2 अल्फा बीटा कर दिया, तो दोनों को बराबर करने के लिए मुझे इधर क्या करना पड़ेगा माइनस 4 अल्फा बीटा। अब देखो दोनों एक जैसे लिखे कोई चेंज नहीं है, अब इतने पार्ट को मैं क्या लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो देखना क्या आएगा अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, क्लियर हुआ। तो मेरा क्या हो गया अल्फा माइनस बीटा जो था आई हैव एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब मैं स्टैंडर्ड जो हमारे फॉर्मूला अभी हमने आज की क्लास में जो ड्राइव किया दैट इज माइनस बी बाय ए और सी बाय ए वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो देखना क्या आएगा अंडर रूट ऑफ तो माइनस बी बाय ए का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, ठीक है। चलो मैं इसको ऊपर वाले को थोड़ा जगह बनाने के लिए इसको रब कर देता हूं, देखना क्या हो गया हमारा अल्फा माइनस बीटा का मॉड डिफरेंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखो माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा बी का स्क्वायर, मतलब माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है तो बी स्क्वायर माइनस, अब देखो यह है बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और वो कहता है माइनस 4 सी बाई ए, तो एलसीएम लेने के लिए मैंने इसको ए से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, ये मेरा सारा अंडर रूट के अंदर है अभी, ठीक है ना, पूरा एवरीथिंग इज इन अंडर रूट। अब देखो क्या बना, ऊपर बन गया अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी और नीचे क्या बनेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर विच इज ए, तो ये होगा हमारा फाइनली अंडर रूट डी बाय ए, तो यही तो हमने उधर से आया था, बट इसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा लगी, उसमें हमने क्या किया था रेडीमेड फॉर्मूला यूज कर लिया था, कौन सा जो हमने अल्फा और बीटा फर्स्ट क्लास में निकाले थे, इसलिए हमारा डेरिवेशन छोटा हो गया, अदरवाइज वो भी लेंथी होता, अगर मान लो हमें ये रूट नहीं पता होता, क्या था रूट हमारा अल्फा इज माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाय 2a और बीटा इज माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाय 2a, इस फैक्ट का यूज किया था, अगर हमें ये नहीं पता होता तब उस वाले उस जब हमने जो मेथड 1 से ड्राइव किया उसमें भी टाइम लगता, ठीक है, इधर इसलिए लगा क्योंकि इधर हमने कोई अभी हमारा कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज नहीं किया था, एक ही किया था छोटा सा सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो कॉपी करो, अब हम इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं जो भी हमने सीखा अभी तक उसके ऊपर इलस्ट्रेशंस अब हम करेंगे, ठीक है बच्चों, तो कॉपी करो तुम लोग। हाँ तो ये होगा हमारा पहला इलस्ट्रेशन, तुम लोग इसको कॉपी करो और एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है, और फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ अभी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट, तो उसने क्या दे रखा है कि अल्फा और बीटा इक्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं,
तो हम लिख लेते हैं क्या, देखो एक तरीका तो क्या है कि अभी जो क्वाड्रेटिक दी है इसके अगर हम रूट्स निकालें तो बहुत सिंपल आ रहे हैं, वैसे डायरेक्टली अगर कोई जज कर सकता है तो यू कैन सी सम ऑफ रूट इज 3 एंड प्रोडक्ट इज 2। तो इसके रूट्स क्या आ रहे हैं हमारे, अल्फा इज 1 एंड बीटा इज 2। किसी को भी बोल सकते हैं, अल्फा 2 को बोल सकते हैं, बीटा को 1 बोल सकते हैं, बट देख रहे हैं इसके रूट्स 1 एंड 2 हैं। तुम लोग उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, किससे, अपना माइनस बी, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब 9 माइनस 4 टू 8 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3 प्लस माइनस 1 बाय 2। तो पॉजिटिव साइन लूंगा मैं तो मेरा क्या आएगा 3 प्लस 1 4 बाय 2 विच इज 2, और नेगेटिव साइन जब लूंगा तो मेरा 3 माइनस 1 2 बाय 2 विच इज 1, तो 2 और 1 आ गए। ठीक है, अच्छा तो अब कोई बोलेगा कि सर जब हमारे पास रूट्स आ गए हैं तो ये वैल्यूज निकालना तो बहुत ही आसान हो गया, बट मेरा मकसद इस क्वेश्चन में रूट्स निकाल कर सॉल्व करना नहीं है। ठीक है, वो मेथड हम करेंगे वेरीफाई करने के लिए। क्या अब करेंगे क्या, हम जो जो एक्सप्रेशन लिखी ना, चार पांचों जो पार्ट्स हैं उसमें, हम उनको एक्सप्रेस करेंगे सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स के टर्म्स में, फिर हम इधर से फैक्ट यूज करेंगे सम ऑफ फ्रूट इज 3 एंड प्रोडक्ट इज 2। क्लियर हुआ क्या मैं बोल रहा हूँ? देखो एक तरीका क्या है कि तुम लोग रूट्स निकाल के इसमें रख दो, बट क्या होगा ना, जैसे अभी हम कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लेंगे जैसे, या फिर बहुत से एग्जाम में क्या आएगा, इतना सिंपल क्वाड्रेटिक नहीं आएगा एग्जाम में, वो क्वाड्रेटिक देगा लेट से ऐसा दे दिया उसने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, चलो माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो जब इसके तुम रूट्स निकालोगे ना तो देखो क्या आएंगे, 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 5 आएगा, 1 प्लस माइनस रूट 5 बाय 2 आएगा, एक दिस इज अल्फा कॉमा बीटा, तब खुद सोचो अब क्यूब और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना होगा, ये ऑलरेडी इरेशनल नंबर है, इसका क्यूब निकालने में कितनी दिक्कत होगी, समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैं बता रहा हूं क्या कि अभी जो मैं मेथड डिस्कस करने जा रहा हूं उनमें मैं पांचों के पांचों जो पार्ट्स हैं हम उसमें क्या यूज करने वाले हैं, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्योंकि देखो अगर मान लो इसके लिए मुझे, अब खुद सोचो इसके लिए अगर मान लो इसके रूट्स अल्फा और बीटा बोला जाए और मुझे बोला जाए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालो, तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अगर तुमने अल्फा और बीटा सेपरेटली निकाला, ऐसे नहीं करूंगा मैं, क्या करूंगा इसको आई विल ट्राई टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, फिर सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इस इक्वेशन से यूज करूंगा मैं, सम इज 1 प्रोडक्ट इज माइनस 1। क्लियर हुआ? तो तुम लोग भी क्या करो, हर एक पार्ट को वैसे सॉल्व करो, ये चीज हम कब यूज करेंगे, वेरीफाई करने के लिए हमारा आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर हुआ बच्चों? तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको, देखना मैंने दिमाग में रख लिया 1 और 2 रूट्स हैं, अब हम केवल ये रूट्स वेरीफाई करने के लिए करेंगे। ठीक है ना, रूट्स हमने क्या निकाल, क्यों निकाले कि जो हम इस निकालेंगे इसका आंसर वो वेरीफाई करने के लिए। तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर लिख लिया मैंने, बट इधर मेरा 2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा आ गया तो माइनस 2 अल्फा बीटा, दिस इज व्हाट ओवरऑल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वही चीज लिखा है। अब मैं इधर क्या लिख देता हूँ, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, अब मेरी इक्वेशन जिसके रूट्स दे रखे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, अब मुझे रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, आई हैव टू वांट, आई वांट जस्ट सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस 3 माइनस बी बाय होता है तो 3 बाय 1 व्हिच इज 3, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इनटू बीटा इज 2 बाय 1 व्हिच इज 2। तो मैं ये डाटा यूज करूंगा, ये नहीं करने वाला हूं, ये क्या बोला मैं, ये कब यूज करूंगा, टू वेरीफाई, टू क्रॉस चेक माय आंसर। ठीक है चलो अब इसको देखते हैं, इसमें तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4 व्हिच इज 5, अब हम इसमें रख के देख लेते हैं ये वाले वैल्यूज, अल्फा को 1 डालता तो 1 स्क्वायर, बीटा को 2 डालता 2 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 5 मैच कर रहा है, आया हो समझ में आया होगा, अगर अब आ गया हो तो अब तुम क्या करो, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट को ऐसे सॉल्व करो, मैं तो अभी डिस्कस करूंगा ही बट तुम लोग बेटर होगा, उससे ज्यादा सीखने मिलेगा, तुम लोग खुद से ट्राई करोगे तो यू विल लर्न मोर। ठीक है ना, एज कम्पेयर टू कॉपिंग इट जस्ट, तो मैं सेकंड पार्ट पे आता हूँ, तो अब मेरे को लिखना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, देखना अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो करते हैं हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब मैं वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, कौन सा, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, पहले वो फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज बीटा, तो ए क्यू प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी इन टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये एकदम टेस्ट होना चाहिए फॉर्मूला, फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, ए क्यू प्लस बी क्यूब ये तो हम 9th 10th से पढ़ के आते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और अगर इधर बीटा इधर माइनस होता तो हमारा इधर माइनस आता इधर प्लस आता। क्लियर है क्या, अभी ये सम ऑफ रूट ऑफ प्रोडक्ट के टर्म्स में एक्सप्रेस है आरएचएस, नहीं अभी भी नहीं है, देखो इतना पार्ट तो करेक्ट है सम ऑफ रूट है, बट इसमें भी अभी हमें थोड़ा करना पड़ेगा सॉल्व,
क्या करेंगे, इस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को अगेन अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि आई वॉन्ट आर एच एस एज अ फंक्शन ऑफ सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट. तो ये तो मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया अल्फा प्लस बीटा. इसको देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, ये अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, बट इससे क्या आता है मेरा 2 अल्फा बीटा आता है, तो मैंने माइनस 2 अल्फा बीटा लिखा और एक ऑलरेडी माइनस अल्फा बीटा था. देखो ये जो पार्ट है ना, इतना पार्ट, दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. देखो क्लियर है, अब जो ऊपर लिखा वो यही लिखा है. अब जरूर मेरा जो एक्सप्रेशन हो गया आरएचएस में जो लिखा है मैंने अभी, दैट इज फंक्शन ऑफ सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट. क्लियर है, तो अब मैं लिख लेता हूं इसको एक बार, मैं और सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेता हूं, इनको क्लब कर देता हूं. तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा. क्लियर है, अब मैं इसमें वैल्यू प्लस प्लग कर देता हूं. तो सम ऑफ रूट हमारी क्या थी, 3. तो दिस इज 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 2, तो ये 2 हो गया. तो हमारा इधर से आया 3 इंटू 9 माइनस 6 विच इज 3, 3 3 9. तो फाइनली आंसर हमारा 9 आया. वेरीफाई करें हम, वेरीफाई कैसे करेंगे, अब डायरेक्टली अल्फा में पता है 1 था, बीटा कितना था 2 था, अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब देख लेते हैं. तो अल्फा क्यूब कितना हो जाएगा, दिस इज 1 दिस इज 8, तो 8 प्लस 1 9, इसका मतलब करेक्ट है. ये मत सोचना ये मेथड आसान है, इस इक्वेशन के लिए आसान है, बट अगर रूट्स मारे मेरे इरेशनल वगैरह हुए तो हालत खराब हो जाएगी क्यूब वगैरह निकालने में, ठीक है ना, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. ये बहुत आसानी से हो जाएगा, इसकी बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है. चलो तो अब हम देख लेते हैं क्या थर्ड पार्ट. तो देखो तो इसको मैं रैप कर देता हूं. थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट में तुम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, एलसीएम लेते हैं. तो हमने एलसीएम लिया तो अल्फा अपॉन क्या लिखा है पहले वो लिख लेते हैं, प्लस बीटा अपॉन अल्फा. तो दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा. या तो इसका काम कर सकते हो, हमने पहले पार्ट में ऑलरेडी निकाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पता है 2 है, तो वैसे कर सकते हो. अदरवाइज क्या कर सकते हैं, हम दोबारा सॉल्व कर लेते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन नीचे क्या लिखा अल्फा बीटा. तो अब मेरा ये जो आ गया ओवरऑल, दिस इज फंक्शन ऑफ सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट. तो बस अब वैल्यू प्लग करना, तो इसको करते हैं हम. तो सम ऑफ रूट कितना था, 3, तो ये हो गया 3 स्क्वायर विच इज 9 माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा विच इज 2 और नीचे 2, तो ये हो गया 9 माइनस 4 विच इज 5 और डिनोमिनेटर 2, तो 5/2. अब हम वेरीफाई करके देख लेते हैं. तो अल्फा क्या था हमारा, अल्फा इज 1 बीटा इज 2, इसमें रखते हैं तो 1 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 1, तो देख रहा है कितना है 2 प्लस हाफ विच इज 5/2, तो मैच कर रहा है अपना. क्लियर है, तो आसान लगा होगा, ठीक है ना. अब तुम लोग फोर्थ वाला ट्राई करो वीडियो पॉज करके, ठीक है. इसको मैं रब कर देता हूं, इतने पार्ट को मैं रब कर रहा हूं. अब देखना ये थोड़ा सा और ट्रिकी है. ट्रिकी क्या है, देखो अगर मैं मान लो इसको नॉर्मल मेथड से करूं, नॉर्मल मतलब जो अभी तक हम फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट करते आ रहे हैं, तो क्या करेंगे हम इसमें, लेट्स स्टार्ट डू इट. 3 माइनस अल्फा इंटू 3 माइनस बीटा. तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, हम ओपन कर देते हैं ब्रैकेट, ठीक है ना. एक जनरल सा थॉट क्या आएगा दिमाग में बच्चों के कि हम इसको ओपन कर देते हैं, ठीक है. तो चलो ओपन कर दिया, तो 3 3 9, ठीक है, माइनस 3 अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस अल्फा बीटा. इधर से आया 9 प्लस, और इसको मैं अल्फा बीटा को इस साइड लिख लेता हूं, और माइनस 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा. चलो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं मेथड 1, ठीक है. अच्छा अब प्लग कर देते हैं वैल्यूज अल्फा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा अल्फा इनटू बीटा की. तो सम ऑफ रूट कितना था, 3, तो ये वाला ब्रैकेट तो 3 है और प्रोडक्ट क्या है 2, तो 2 प्लस 9 11 11 माइनस 3 इनटू 3 9, तो 11 माइनस 9 इज 2, तो आंसर आया हमारा 2. अब हम क्या करें एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं अल्फा और बीटा उसमें रख के. तो अल्फा मैंने 1 माना था, तो 1 माइनस सॉरी 3 माइनस 1 3 माइनस 1 इनटू, बीटा कितना था 2, तो 3 माइनस 2 विच इज 1, तो कितना आया 3 माइनस 1 इज 2 इंटू 1 विच इज 2, तो देख रहा है सेम आ रहा है. क्लियर हुआ, ये तो ठीक है, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने ऐसे किया होगा. अब हम इसको थोड़ा हटके करेंगे, बहुत ज्यादा मजेदार मेथड है, ठीक है. क्या है वो मेथड, उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, तुम लोग इसको कॉपी कर लो. 3 माइनस अल्फा इंटू 3 माइनस बीटा, तो इसको देख के तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, सबसे पहले थॉट प्रोसेस. मेरे को लिखा 3 माइनस अल्फा इंटू कुछ सिमेट्री टाइप की चीज, 3 माइनस बीटा,
ठीक है, मैं हिंट दे देता हूँ तुम लोगों को, एक काम करता हूँ, मैंने बोला यूज दैट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या थी हमारे, एक बार लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम लिख सकते हैं ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, वी आर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, वीडियो पॉज करो, मैंने हिंट दे दिया, इस आइडेंटिटी का यूज करो इसको, इसका वैल्यू निकालने के लिए, बहुत आसानी से आएगा, बहुत फास्ट आएगा। ठीक है, चलो मैं इसको डिस्कस करता हूँ। तो देखना, अब मैं क्वाड्रेटिक की जगह जो मेरा क्वाड्रेटिक है वो लिख लेता हूँ। तो देखना, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ए एयर इज वन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो वन इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, अल्फा और बीटा इसके रूट्स है। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों को देख के सोचो क्या करें हम, अब क्लिक कर जाएगा तुम लोगों से बहुत हो, मुझे क्या पता है, ये तो एक आइडेंटिटी है, इधर लिख लो, दिस इज एन आइडेंटिटी, दिस इज एन आइडेंटिटी, ये एक आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी है इसका मतलब दैट इज इट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, ये तो प्रॉपर लिखना पूरा, इट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, मतलब एक्स कुछ भी रखू ये हमेशा ट्रू होगा। अब सोचो मुझे एक्स में क्या रखू कि इस टाइप का एक्सप्रेशन बन जाए, ऑफकोर्स थ्री, थ्री माइनस अल्फा थ्री माइनस बीटा जनरेट हो जाएगा, इधर जो भी होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, सब्सटीट्यूट पुट या फिर पुट x is equal to 3, हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं x की, क्योंकि ये तो हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। तो मैंने 3 रखा, तो इधर क्या है, 3 square which is 9 minus 3, 3 is a 9 plus 2 is equal to 3 minus alpha into 3 minus beta, ये चीज मेरी आ गई which is 2, वही हमारा उधर आया था, 9 minus 9 cancel हो गया 2 आ गया। तो सोचो कितना आसान हो गया इससे। तो यही हमारी इक्वेशन थी जो मैंने हर बार बहुत स्ट्रेस दे रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। It is an identity, it is true for all x, x कुछ भी रखो, वो फैक्ट मैं यूज किया हूँ टू फाइंड 3 माइनस अल्फा इंटू 3 माइनस बीटा। क्लियर है बच्चों? चलो अब इससे ज्यादा मजा आएगा हमें नेक्स्ट पार्ट में, वो इसका भी थोड़ा एक और स्टेप अहेड है। तो सबसे बढ़िया बात क्या होगी, वीडियो पॉज करो, पहले तो इसको कॉपी करो और इसको खुद से ट्राई करो, दो मिनट दो इसको, ठीक है, जब ज्यादा सीखने मिलेगा। ठीक है, और मैंने क्या बोला, ये इससे एक स्टेप आगे है। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। चलो तो हम सेकंड लास्ट पार्ट है हमारे इस क्वेश्चन का, उसको सॉल्व करते हैं, फिफ्थ पार्ट, 25 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 25 माइनस बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहली चीज क्या करेंगे, ऑफकोर्स इसको लीनियर के टर्म्स में देखेंगे, तो क्या आएगा हमारा, देखना, 5 माइनस अल्फा इंटू 5 प्लस अल्फा इंटू 5 माइनस बीटा इंटू 5 प्लस बीटा। अब डेफिनेटली इधर 3 माइनस अल्फा इंटू 3 माइनस बीटा था, तो डेफिनेटली माइनस माइनस वाले को एक साथ लिख लेते हैं, प्लस प्लस वाले को एक साथ लिख लेते हैं, तो क्या आएगा, 5 माइनस अल्फा इंटू 5 माइनस बीटा इंटू 5 प्लस अल्फा इंटू 5 प्लस बीटा। क्लियर है, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब ये वाला पार्ट तो एग्जैक्टली प्रीवियस जैसा हो गया, केवल एक्स के लिए हम क्या रखेंगे उधर, 5 किसमें, जैसे मैंने बोला एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, ये मेरा आइडेंटिटी, इट इज ट्रू फॉर ऑल x। तो मैंने क्या बोला कि इसमें मैं x कुछ भी रख सकता हूँ, कुछ भी से मेरा मतलब है कोई भी रियल वैल्यू, इट इज ट्रू फॉर ऑल x बिकॉज इट इज एन आइडेंटिटी। अब मैं क्या बोलूँ, मेरे को 5 माइनस अल्फा इंटू 5 माइनस बीटा चाहिए, तो मैं x के क्या रखूँ, 5 रख देता हूँ, तो मेरा ये आ जाएगा। तो मैंने लिखा 5 स्क्वायर, इसमें मैंने x के रखा x इज इक्वल टू 5, तो 5 स्क्वायर 25 माइनस 5 3 था 15 प्लस 2, तो 25 माइनस 15 इज 10, 10 प्लस 2 इज 12, तो 12 इज इक्वल टू 5 माइनस अल्फा इंटू 5 माइनस बीटा। अभी मेरा ये पूरा आंसर नहीं हुआ, ये तो मेरा इतने पार्ट का आंसर हुआ अभी, अब मुझे इतना और निकालना है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, जो मैंने दिमाग वाली बात बोली थी वो इस पार्ट को निकालने के लिए होगा हमारा, कि अब मैं क्या रखूँ एक्स की ये चीज जनरेट हो जाए। तो देखो 5 रखोगे तो 5 माइनस अल्फा होगा, बट अगर सोचो कि इस वाली इक्वेशन में अगर माइनस 5 रख दूँ, सुनना, इट इज ट्रू फॉर ऑल x, मैं बोल रहा हूँ इस वाली इक्वेशन में अब x की जगह मैं माइनस 5 रख रहा हूँ, तो देखो इधर क्या होगा, माइनस 5 माइनस अल्फा, इधर से एक माइनस कॉमन लेके इधर क्या आएगा, 5 प्लस अल्फा, इधर माइनस 5 माइनस बीटा, इधर से माइनस कॉमन लेके क्या आएगा, 5 प्लस बीटा, तो इधर से भी एक माइनस कॉमन आया, इधर से भी एक माइनस कॉमन आया, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस अल्फा 5 प्लस बीटा आ जाएगा, वही तो वही चाहिए, तो हमारा काम खत्म, बस हमें इधर क्या रखना है, x की जगह माइनस 5, तो माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 था 15, तो प्लस 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 5, अच्छा चलो प्रॉपर एक एक स्टेप में लिख लेते हैं,
माइनस फाइव माइनस अल्फा इंटू माइनस फाइव माइनस बीटा, क्यों जाएगा फाइव प्लस अल्फा इंटू फाइव प्लस बीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 25 और 15 30 40 42, ये हो गया हमारा। अब क्या करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 × 42 इज इक्वल टू माई रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब तुम्हारा टास्क क्या होगा, ये वेरीफाई करो कि ये आंसर, और अब हमें अल्फा और बीटा तो सेपरेटली पता ही है, अल्फा इज वन बीटा इज टू, उनको इधर रखो और फिर वेरीफाई करो क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं, दैट इज योर टास्क। क्लियर है? नहीं तो चलो एक काम करता हूँ, मैं रख के देख लेता हूँ, मैं इसको पूरा सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको इसी के टर्म्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। कैसे, मैंने क्या किया, मुझे क्या पता है इधर अल्फा की वैल्यू 1 रखी मैंने और बीटा की वैल्यू 2 रखी। ठीक है, चलो इसको कंप्लीट कर ही देते हैं। तो अल्फा की वैल्यू 1 रखेंगे तो 25 − 1² विच इज 25 − 1 = 24 × 25 − बीटा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर मतलब 4, तो 25 − 4 = 21। अब मैंने इधर से एक 2 इसको दे दिया, तो इसको लिख सकता हूँ 12 × 2 और 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 42, तो देख रहे हो 12 × 42 तो हमें पूरा सिंप्लीफाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वेरीफाई करने के लिए उसी में हमने इधर से उधर फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया। क्लियर है बच्चों? तो अच्छा क्वेश्चन है एक बेसिक लेवल के लिए, ठीक है ना, बेसिक लेवल मतलब ये भी नहीं बोलूंगा एकदम बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा है, मेंस में भी यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस, ठीक है ना, स्पेशली द लास्ट 2 पार्ट्स। क्लियर है बच्चों? तो वीडियो को पॉज करो और इसको कॉपी करो, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, और मेहनत करो अब, ठीक है ना, काफी वेकेशन हो गया तुम लोगों का, अब बिल्कुल जुट जाओ, 2 साल तुम्हें इधर उधर कहीं ध्यान नहीं देना है, केवल स्टडीज पे अगर फ्यूचर को अच्छा करना है तो, ठीक है ना, फ्यूचर को सिक्योर करना है, और योर टारगेट शुड बी आईआईटी, ठीक है ना, आईआईटी में ही एडमिशन लेना है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखना, मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ बोर्ड पे, पहले तुम लोग एक बार ट्राई करना उसको, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा और उतना ही होगा जितना शायद तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है, विनोद सर ने पढ़ा है, तो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + px + q = 0 आर 10-30 degree एंड 10-15 degree, ठीक है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ 2 + q - p, ठीक है, इसकी तुम्हें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो तो बेटर क्या होगा, वीडियो पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है ना, और मैं इसको डिस्कस करता हूँ। तो देखते हैं हम क्या बोला मैंने कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स, क्वाड्रेटिक पहले हम लिख लेते हैं x² + px + q = 0 और इसके रूट्स दे रखे हैं 10-30 degree और एक 10-15 degree, ठीक है ना, इसको भी देखो करने के बहुत तरीके हैं, बट हम थोड़ा अच्छा मेथड देखेंगे, एक और मेथड बताऊंगा मैं तुम लोगों को, बोलूंगा उससे करना। देखो सबसे पहला चीज क्या आएगी दिमाग में, अगर मान लो मुझे ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है, ठीक है ना, विच इज ऑफकोर्स नॉट अ गुड मेथड ऑफकोर्स, वो क्या होगा, तरीका क्या होगा, बाकी तुम लोग वेरीफाई करोगे, 10-30 पता है मुझे कितना होता है, 1/√3 सबको पता होगा, और ये भी विनोद सर ने ड्राइव करवाया 10-15, ठीक है ना, कितना होता है √3 − 1/√3 + 1, तो रैशनलाइज करने के बाद क्या आता है 2 − √3, एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है ना, कैसे करते हैं इसको, 10-15 को 10 ऑफ 60 − 45, फिर 10 ऑफ a − b लगाते हैं, तो 10 a 10 60 विच इज √3 − 10 45 1/1 + 10 a 10 b, अब इसको रैशनलाइज करते हैं तो √3 − 1 √3 − 1, तो ऊपर आया √3 − 1 का स्क्वायर, तो 3 + 1 − 2√3 / 3 − 1 विच इज 2, तो दिस इज 4 − 2√3 / 2 विच इज 2 − √3, तो ये हो गया सो कॉल्ड डेरिवेशन ऑफ टेन ऑफ 15 डिग्री। अगर किसी को नहीं आता है, दिक्कत है, तो डोंट वरी, हम ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा आफ्टर क्वाड्रेटिक वो ट्रिग्नोमेट्री होगा, अभी जिसको थोड़ा आइडिया है यू कैन सी देयर, ठीक है, चलो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मान लो तुम्हें साइन और कॉस याद है तो इसको sin 15/cos 15 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 15 होता है √3 − 1/√2 और कॉस 15 होता है √3 + 1/√2, डिवाइड करेंगे तो यही चीज आएगी, उसके बाद फिर रैशनलाइज वाला पार्ट सेम है। छोड़ो, हमें इसका डिस्कशन नहीं करना है, वो तो एक एक्स्ट्रा के लिए बता दिया मैंने, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, इतने पार्ट को मैं रब कर रहा हूँ।
हाँ तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो जो तरीका मैं नहीं करूंगा पहले मैं वो बता रहा हूँ क्या है। 1/√5 इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या देखो 1/√5 एक्स की जगह इसमें रख दो क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक है किसी का रूट अल्फा है तो उसको सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई में करता है मतलब क्या होता है कि वो रूट इसमें रखने पे जीरो आएगा। समझ में आया ना? जैसे मैंने लिखा देखो एक नोट करके भी लिख लो ऐसे लिखना है तो इफ अल्फा इज रूट ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो देन अगर अल्फा इसका रूट है तो क्या होगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होगा। अगर अल्फा इस क्वाड्रेटिक का रूट है रूट मतलब ही क्या होता है एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए ये चीज जीरो हो जाए तो हमने उसकी जगह रख दिया तो ये चीज आ गई। ठीक है इसको नोट के फॉर्म में लिख लो। इसके बेसिस पे भी हम अभी बहुत क्वेश्चंस करने वाले हैं ठीक है ना। चलो अभी हम इस क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा। तो मैंने क्या बोला कि हम 10/√5 इसमें रख देते हैं क्योंकि सेटिस्फाई करेगा इसका रूट है तो पी और क्यू में एक इक्वेशन मिल जाएगी। सिमिलरली 2-√3 हम इसमें रखेंगे उससे मेरी एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो ओवरऑल क्या मिलेगा तुम्हें दो इक्वेशन मिल जाएगी पी और क्यू में। ओवरऑल दो इक्वेशन मिल जाएंगी पी और क्यू में उन दोनों को सॉल्व करके पी और क्यू आ जाएगा। उसके बाद जो भी आया पी और क्यू वो तुम इधर रख दो। क्लियर है ठीक है। अब मैं इसको एक दूसरा मेथड से डिस्कस कर रहा हूं इससे तुम्हें वेरीफाई करना होगा इसको कंप्लीट करने के बाद ठीक है। तो मैंने क्या बोला मैं क्या कर रहा हूँ देखना बहुत ही बढ़िया तरीका है। देखना क्या लिख रहा हूँ मैं टेन ऑफ 45 डिग्री को मैं लिख रहा हूँ टेन ऑफ 35 प्लस 30 प्लस 15। आप सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ टेन ऑफ ए प्लस बी को क्या लिख सकता हूँ मैं टेन ए प्लस टेन बी ये भी तुम फिजिक्स में पढ़े हो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1-10a 10b ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो क्या है टेन 45 तो मुझे पता है तो इधर तो मेरा 1 आ गया तो 1 = ये क्या लिखा है बेसिकली 10/30 और 10/40 तो इसके रूट थे ना तो ये जो लिखा है दिस इज नथिंग बट सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स क्या है माइनस बी बाय है तो माइनस बी और ये जो लिखा है ये क्या लिखा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है सी बाय विच इज हियर इट इज क्यू अपॉन 1 ये क्यू हो गया। तो अब देखना मेरी इक्वेशन क्या बनी 1 = -p/(1-q) कैसे आ गया सम ऑफ रूट इज माइनस पी तो इधर से आ गया 1-q = -p। तो अब मैं इसको इधर लेके आया q-p = 1 अब मैं इसमें रख देता हूँ q-p कितना हो गया 1 तो 1+2 = 3 तो देखा काफी आसान हो गया। तो इधर हमें क्या फैक्ट यूज करना था देखो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होता है मैथ्स में कि हम ऑब्जर्व करें डाटा कैसा दिया एग्जामिनर का मकसद क्या होता है लेबर वर्क नहीं करना होता है थोड़ा स्मार्ट वर्क। तो सबसे पहला चीज हमें ऑब्जर्व करना था ये 30 है और ये 15 डिग्री है और इन दोनों का सम 45 डिग्री है ये पहला ऑब्जर्वेशन। और हमें एक चीज और क्या है कि 10/45 1 होता है तो इससे काफी चीजें सिंप्लीफाई हो रही है हमारी। क्लियर है तो फिर हम इसमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज कर पा रहे हैं ठीक है। तो वीडियो पॉज करो कॉपी करो अगर नहीं आता समझ में या कोई भी दिक्कत आती है इस क्वेश्चन में तो मुझे पूछ सकते हो। हाँ लेकिन तुम्हारा काम जरूर क्या है वेरीफाई करना कि तुम्हारा आंसर जो मैंने बताया था क्या लिखा था कि ये 1/√5 गलत लिखा 1/√3 है ठीक है ना करेक्ट करना है इसको 1/√3 है ठीक है। क्या करोगे तुम लोग ये वाली वैल्यू इसमें रखोगे पी और क्यू में एक इक्वेशन आएगी ये वाली वैल्यू इसमें रखोगे पी और क्यू में एक इक्वेशन आएगी और फिर उन दोनों से पी और क्यू निकाल के इधर रखना और वेरीफाई करना ये आ रहा है या नहीं। तुम लोग मुझे व्हाट्सएप करना सॉल्यूशन ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।